हमारे स्वानन न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए और देखिए स्वानन न्यूज के वीडियो सबसे पहले आपके मोबाइल स्क्रीन पर। नमस्कार, मैं नेहा पारचा, स्वानंद न्यूज में आप सभी का स्वागत है। चर्चा तो होगी ही। अखिल भारतीय वाल्मीकि नव युवक संघ द्वारा बदलापुर में भगवान श्री महर्षि वाल्मीकि जी की रथ यात्रा निकाली गई। आइए देखते हैं किस प्रकार निकाली गई यह रथ यात्रा। बदलापुर में वाल्मीकि समाज के नागरिकों ने वाल्मीकि जयंती के अवसर पर भगवान श्री महर्षि वाल्मीकि जी की रथ यात्रा निकाली थी। इस यात्रा का आयोजन अखिल भारतीय वाल्मीकि नवयुवक संघ द्वारा किया गया था। यह यात्रा बड़ी ही धूमधाम से निकाली गई। मेरे प्रगति ये है कि भाई हमने मैं बदलापुर शहर में उपाध्यक्ष 25 साल से हूँ। हमने आज तक इतना जो कार्यक्रम किए उसमें ऐसी कोई शोभा नहीं बड़ी, रथ यात्रा नहीं निकाली। आज जो हमारे बच्चों ने जो नए पीढ़ी के जो बच्चे हैं, जो अध्यक्ष हैं उपाध्यक्ष हैं, उन्होंने जो काम किया है मैं उनका शुक्रगुजार हूँ और उनसे यही प्रार्थना करता हूँ कि भाई आगे भी ऐसे ही करते रहें, जो कि अपने समाज का नाम रोशन हो और बदलापुर में दिखाएं कि बदलापुर में भी वाल्मीकि समाज रहता है। मुझे मेरी पूरी टीम को मैं धन्यवाद देता हूँ, युवाओं को, जिन्होंने मेरे साथ बहुत मेहनत करी है। जितना सहयोग मेरा नहीं था इन्होंने इतना सहयोग दिया है। अपना काम धंधा दिन रात नहीं देखी इन्होंने, मेरे साथ काम में जुड़ गए। आज जो बदलापुर में पहली बार जो ये जो जयंती निकली है ये युवाओं की वजह से ही निकली है, नहीं तो आज 20 साल से अपने समाज की ये किसी की पहचान नहीं थी। आज ये युवाओं की बलबूते पे सब कुछ इतना हुआ है। मैं अखिल भारतीय नवयुवक संघ का सेक्रेटरी के नाते राकेश वाल्मीकि, मैं अपनी पूरी टीम का धन्यवाद करना चाहता हूँ जो उन्होंने पहले से जो मुझे सहयोग दिया है बहुत अच्छी तरह दिया है। सभी ने अपने पद का नहीं अपने समाज के हेतु सब ने सब अच्छा अच्छा काम किया है और बदलाव ने दिखा है कि वाल्मीकि समाज की एकता कितनी है, अच्छी है। इसलिए मैं सभी का, मेरे कमेटी मेम्बरों का धन्यवाद करना, उसमें उपाध्यक्ष अध्यक्ष मेरे खजिंदार साहब, सेक्रेटरी साहब, मेरे कार्याध्यक्ष और सदस्य लोग, सभी ने ऐसा नहीं सोचा कि पद के खिलाफ से करना, नहीं, सबने मिलजुल कर जो अच्छे से रैली निकाली है मैं सबका अपने तरफ से और मनपूर्वक उनके शुभेच्छा देता हूँ। जब हमने वहाँ पर मौजूद नागरिकों से बात की तब उन्होंने कहा कि वाल्मीकि समाज के लोगों के लिए जो आरक्षण की सुविधा बंद हुई है उसे फिर से मान्यता मिलनी चाहिए। इस बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं सुरेश राठी से। आज बदलापुर शहर में अखिल भारतीय वाल्मीकि नवसंघ के माध्यम से पहली बार महर्षि वाल्मीकि प्रकट दिवस की शोभा यात्रा निकाली गई। हमारे युवा अध्यक्ष राहुल जी, जगवीर शहर अध्यक्ष तथा उनकी पूरी टीम को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने बदलापुर शहर में बदलापुर के रहवासियों को जयंती के माध्यम से, प्रकट दिवस के माध्यम से आज ये बताने की कोशिश की कि बदलापुर शहर में वाल्मीकि समाज भी यहाँ पर रहता है। मैं पूरी टीम को आज बधाई देना चाहूँगा और साथ ही साथ आने वाले समय में हमारे जो समाज की जो तकलीफ है, जो हमें जाति का दाखिला नहीं मिलता है, हमें आरक्षण नहीं मिलता है, हमारे बच्चे डॉक्टर नहीं बन रहे, हमारे बच्चे इंजीनियर नहीं बन रहे, हमारे पास इतना पैसा नहीं है, लेकिन आरक्षण के हकदार इस हिंदुस्तान में, इस भारत में अगर कोई है तो वाल्मीकि समाज है। हम बहुत जल्दी एक महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ एक आंदोलन खड़ा कर रहे हैं कि वाल्मीकि समाज को यहाँ पर रहवासी दाखिला मिले, जाति का दाखिला मिले, ताकि हमारा समाज आरक्षण लेकर के हमारे बच्चे डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, हमारे बच्चे आईपीएस अधिकारी बने। तो मेरी सभी वाल्मीकि समाज से प्रार्थना है कि जो सामाजिक कार्यक्रम होते हैं, सामाजिक आंदोलन होते हैं, उनमें भी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले। और आज बदलापुर शहर में हमारे जिला अध्यक्ष संतलाल सिहोते जी, उल्लासनगर शहर के अध्यक्ष दशरथ चौहान जी और बदलापुर शहर अध्यक्ष जगवीर जी ने, उनकी पूरी टीम ने जो कार्यक्रम किया है उसके लिए मैं महाराष्ट्र प्रदेश की तरफ से सभी को बधाई देता हूं। अखिल भारतीय वाल्मीकि नवसंघ समाज के लिए आंदोलन कर रहा है और करता रहेगा। जब तक जाति का दाखिला नहीं मिलेगा, समाज को आरक्षण नहीं मिलेगा, अखिल भारतीय वाल्मीकि नवसंघ घर में बैठने वाला नहीं है और एक दिन आएगा कि वाल्मीकि समाज का यहाँ पर स्थायी कहलाएगा। जय हिंद, जय वाल्मीकि, जय भीम, जय महाराष्ट्र। अमित तेलगोटे, स्वानंद मीडिया, बदलापुर। हमारे स्वानंद न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए और देखिए स्वानंद न्यूज के वीडियो सबसे पहले आपके मोबाइल स्क्रीन पर।